हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे आज जो है डेट है ट्वेंटी सेप्टेंबर आज का आपका एलेवेंथ क्लास का बायोलॉजी का एग्ज़ाम था और इसके अंदर आज हम सॉल्व करने वाले हैं बी सेट को अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डेस्क्रिप्सन में दिया हुआ है आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स कम्प्राइज जावलेस फिशिज इसमें से जावलेस फिशिज जो हैं कौन से पेयर्स के अंदर पाई जाती हैं तो इसका आंसर रहेगा लैम्प्रेज एंड हैग फिशिज नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैट्रोस्पोरस इसमें से हैट्रोस्पोरस कौन से होते हैं तो एग्जाम्पल ऑप्शन रहेगा डी साल्विनिया आगे नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिडक्शन इसमें सेक्सुअल सेक्सोल्पर्सन से जुड़ा हुआ कौन सा नहीं है तो इसमें दो ऑप्शन हमारे पास जाएंगे फ्रेगमेंटेशन एंड बड़िंग नेक्स्ट है नेक्ड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लेटेड एंड सेप्रोफाइटिक आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ तो किसका करैक्टरिस्टिक्स है जिसके अंदर नेक्ड साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है और वो मल्टी न्यूक्लेटेड होता है तो एग्जांपल जाएगा स्लाइम माउंट्स के साथ एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड द फंगी फंगी का और हायर प्लांट्स का जो एसोसिएशन होता है इसको हम माइक्रोराइजा के नाम से जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय द हार्ट हार्ट के द्वारा जब किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट किया जाता है तो उसका जो फीडबैक है जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो इन्वॉल्व होता है हाइपोथेलिमस के द्वारा जक्स्टा जक्स्टाग्रोमल ऑपरेटर्स के द्वारा चेंज इसमें ब्लड का वॉल्यूम होता है बॉडी फ्लूड्स का जो वॉल्यूम है वो उसमें चेंज देखने को मिलता कन, है आयनिक जो कंसनट्रेशन है वो एक्टिवेट की जाती है हाइपोथैलेमिक ऑस्मो रिसेप्टर्स के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द एग्जांपल ऑफ द मेन कंपोनेंट दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द काउंटर मकैनिज्म तो इसमें जो मदद करते हैं वो हमारे पास ग्लोमेरुलस है प्रोक्जिमल टिब्यूल्स हैं लूप ऑफ हैंडल है डिजिटल टिब्यूल्स हैं एंड कलेक्टिंग हैं नेक्स्ट है गिव एग्जाम्पल ऑफ ब्लड प्रेशर लोवरिंग हॉर्मोन ब्लड प्रेशर लोवरिंग हार्मोनस में जो मदद करते हैं हाँ जी हम बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर लोवरिंग हॉमोन्स की तो इसमें आंसर रहेगा एन पी एट्रियल नेट्री यूरोटिक पैप्टाइड हॉर्मोन्स के नाम से जानते हैं ये कार्डिय हॉर्मोन्स है जो कि ब्लड प्रेशर को लोअर करने में मदद करता है नेक्स्ट हमारे पास है गिव द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दैट लाइज अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी जो मेन एक्सिस पर जो है लाई करता है इसके लिए एक्सा जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाउ मच एयर इज लेफ्ट इन साइड द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल रेस्पायरेशन के बाद जो है नॉर्मल एडल्ट पर्सन के अंदर कितनी जो है एयर लेफ्ट रहती है साथ साथ एक टेक्निकल टर्म भी बतानी है इसके लिए तो टेक्निकल टर्म हमारे पास रहेगी रेजिडुअल वॉल्यूम और वॉल्यूम रहेगा 1200 हंड्रेड नेक्स्ट है हाउ मच ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑफ द 100 एम ऑफ ब्लड अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस तो आंसर रहेगा 5 एम नेम टू ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स वे आर एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स वाई डिफ्यूजन एक्रॉस द एंटायर बॉडी सर्फेस के द्वारा बॉडी के अंदर जो गैसेज का जो एक्सचेंज होता है उनके दो एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं तो लोअर जो इंटवर्टिव रेट्स हैं एग्जाम्पल्स में हमारे पास रहेंगे स्पॉन्जेस सिलंट्रेट्स फ्लैटफॉर्म्स एंड अर्थफॉर्म्स नेक्स्ट है नेम टू फाइला ऑफ द एनिमल्स विथ सोज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तो हमारे पास हैं हेमिकोडेट्स एंड अर्थ्रोफोड़ा आगे गिव एग्जाम्पल ऑफ हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन्स हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन्स मीन्स जो, जो कैल्शियम के वॉल्यूम्स को इंक्रीज कर देता है इसमें हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन्स है ग्लूकागोन कॉर्टिसोल और कैटाकोलामाइन आपको इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल एक देना था तो ये क्वेश्चन अधिकतर आपने कर लिए होंगे जो टू टू मार्क्स के हैं फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करके जो है बता सकते हैं साथ साथ ये क्वेश्चन दे रखा है मैच द कॉलम्स स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो इन्वॉलेंट्री होती हैं और साथ साथ जो है ट्रेपो जो ट्रोपोमायोसिन है वो थिन फिलामेंट से रिलेट करता है रेड मसल्स जो होती हैं वो मायोग्लोबिन होती हैं और स्कल के अंदर स्यूचर्स पाए जाते हैं जो कि हमारे पास इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये हमारे पास ब्लैंक्स दे रखे हैं तो एक्सेटी ऑर्गन्स इनके बताने हैं तो अर्थरोपोर्ट्स के अंदर ग्रीन ग्लान्स पाई जाती हैं और मेलफिकन टिब्यूल्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर ओपन होता है नेफीडिया और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिड्स के अंदर देखने को मिलता है क्योंकि ये पैरापोडिया भी होते हैं साथ साथ जो है मोलस का जिसके अंदर मेडानेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इसमें टेनिडिया जो है देखने को मिलता है एम जो होते हैं इसमें मीजो नेफ्रिक किडनीज पाई जाती हैं जिनका सर्कुलेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्लोज होते हैं लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस की जाती है नेक्स्ट इसमें एक और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको प्लॉयडी बतानी है मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉयड है या फिर वो डिप्लॉयड है तो मैंने इसको यहाँ भी इंडिकेट किया है प्रोक्जिमल प्रोटोनिमल जो सेल होती हैं वो हैप्लॉयड होती हैं प्राइमरी uh, एंडोस्पम जो न्यूक्लियस जो डाइकोट्स के अंदर देखने को मिलता है वो हमारे पास जो है ट्रिप्लॉयड होता है लीफ ऑफ द मॉस वो हैप्लॉयड होती हैं प्रोथेलस ऑफ द फन्स ये हैप्लॉयड होता है जो गेमा सेल्स होती हैं मर्चेंटिया के अंदर ये हैप्लॉयड होती हैं मर्चेंटिया सेल्स जो देखने को मिलती हैं मोनोकॉट्स uh, के अंदर ये हमारे पास डिप्लॉयड होते हैं ओबम जो लिवर वर्थ का होता है वो हैप्लॉड होता है एंड जाइगोड जो फंस का होता है वो डिप्लॉयड नेचर का देखने को मिलता है ओके okay, क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं वीडियो आपकी हमारी कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो